अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहीन और आप देख रहे हैं फरहीन कुकिंग्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने किचन में बना रही हूं मूली की चटनी। तो चलिए देखते हैं ये मूली की चटनी कैसे बनाई जाती है और इसे बनाने के लिए हमें चाहिए। मूली को मैंने अच्छी तरह से धोकर छील लिया है और इसे इस तरह से छोटे छोटे पीसों में काट लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए हरी मिर्च, दही, नमक और हरा धनिया। दही को छोड़कर हम बाकी की चीज़ों को मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। तो मिक्सर का जार मैंने ले लिया है, इसमें हम ये सारी मूली डाल देते हैं। मूली डालने के बाद हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, हरी मिर्च और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे और इन सभी चीज़ों को हम मिक्सर में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। मैं आपको मूली की दो टाइप की चटनी बताऊंगी। तो ये जो चटनी है, आधी चटनी हम एक बाउल में निकाल लेते हैं और आधी में हम दही ऐड करेंगे। तो आधी चटनी मैंने निकाल ली है एक बाउल में, ये ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है। और ये जो बाकी की चटनी है, इसमें हम दही ऐड करेंगे। तो ये सारा दही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। दही ऐड करने के बाद हम फिर इसे एक बार ग्राइंड कर लेते हैं मिक्सी में। तो देखिए, ये जो चटनी है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। तो आप इसे रोटी के साथ सर्व करें, ये बहुत अच्छी लगती है। तो इस चटनी में हमने दही ऐड नहीं किया है और इस चटनी में हमने दही ऐड किया है। ये दोनों तरीके से बहुत ज़बरदस्त बनती है। आप इसे बनाकर देखें और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।